चेहरा मनुष्य की पहली पहचान होती है, किंतु यदि पर्सनालिटी सही दिखानी है तो उसके लिए एक कसी हुई छाती या कसे हुए स्तन होना बहुत आवश्यक होता है। यदि स्तनों में या छाती में ढीलापन है, कसाव नहीं है, तो पर्सनालिटी कभी कभी उतनी सुंदर नहीं दिखती जितनी उसको दिखना चाहिए। और मित्र, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो सुंदर दिखने के चक्कर में तेजी से वजन कम कर लेते हैं, या किसी भी रोग के कारण उनका वजन तेजी से कम हो गया है। उसके अलावा खान पान बिगड़ गया, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, और कभी कभी स्त्रियों में मां बनने के बाद भी समस्या खड़ी होती है कि उनके स्तन लटक जाते हैं, और पुरुषों में कुछ ऐसी चीजें वो कर लेते हैं जिसमें वजन बढ़ा के एकदम जो घट जाता है उसमें भी ये समस्या आ जाती है। तो स्त्री हो चाहे पुरुष, आपकी छाती हो चाहे स्तन, चेस्ट या ब्रेस्ट, जिसका आकार ढीला हो गया है, जो अपने कसाव में नहीं, आज हम उसके कसाव की बात करने जा रहे हैं। ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी चेस्ट या ब्रेस्ट को कैसे कसाव दे सकते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से व्यायाम करने जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। और केवल व्यायाम पर्याप्त तो नहीं है, उसके अलावा उसके साथ कुछ सावधानियां भी रखने, कुछ और भी करना होगा। यदि आप पूरे निर्देशों का पालन करते हैं तो आप 2 से 3 दिन में आपको प्रभाव दिखने लग जाएगा, और महीने से 2 महीने, क्योंकि आपकी स्थिति कितनी बिगड़ी हुई, आप कितना निर्देशों का पालन कर पाते उस पर सब कुछ निर्भर करता है, और आप पुनः अपनी पर्सनालिटी को वेल टू एकदम मेंटेन कर पाएंगे, जो आपको भी दिखने में सुंदर लगेगा और औरों को भी आप सुंदर दिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले व्यायाम से ही आरंभ करते हैं, क्योंकि व्यायाम की आपको जल्दबाजी होती है, उसके बाद सावधानियां भी बताऊंगी। तो वीडियो पूरा समझ लीजिएगा, अन्यथा अधूरा अधूरा करेंगे ना तो फिर बोलेगा अरे हमें तो समाधान ही नहीं मिला। तो चलिए पहले व्यायाम आरंभ करते हैं। व्यायाम में सबसे पहले आपको बता दूं जो करना है, आपको थोड़ा सा पहले आप त्रिकोणासन कर लीजिए। त्रिकोणासन भी इसमें करना होता है, इसलिए मैं आपको वहीं से शुरुआत करती हूँ, जिससे आपका बॉडी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा ऐसा करने से। त्रिकोणासन कैसे करते हैं मित्रों, सबसे पहले आपको क्या करना, अपने पैर से पकड़ के देखिए, ठीक है, पकड़ में आ रहे तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां तक आ रहा कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्रॉस ऐसे जाना है और अपने पैरों को ऐसे पकड़ना है, जितना आ जाए उतना कर लीजिए। ये ऐसे शुरुआत आप ऐसे ऐसे कर पाएंगे। अब ये देखेंगे आपकी जो चेस्ट है उसको हलचल मिल रही है, जिससे वहां का जो रक्त संचार नहीं हो पा रहा, जो नस नाड़ियां ढीली पड़ गई है, सुस्त पड़ गई है, वो आपकी एक्टिव हो जाएंगी। तो ये आपको अभ्यास करना है ऐसे। अब धीरे धीरे आप क्या करेंगे, पहले दिन आपका ऐसे ही ऐसे होगा, उसके बाद धीरे धीरे आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये आपका पैर आपका पूरा पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे तो ये बहुत अच्छा लाभ देगा मित्रों, ये आप करेंगे पूरा लाभ मिलेगा, और ये आपकी चेस्ट के मसल्स जो है ना उनको एक्टिव बना देगा। ये एक अभ्यास हुआ त्रिकोणासन का। दूसरा अभ्यास कर लेते हैं, ये देखिए आपको ऊपर वाला हाथ कान को टच करना, उसके बाद पैर ये पकड़ने का प्रयास करना है, जितना उतना ले आइए ऐसे, फिर दूसरी तरफ। ये अभ्यास आप 2 से 5 मिनट कर सकते हैं प्रत्येक अभ्यास। ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है ना, आराम से आप शुरुआत में इतना आएगा, फिर धीरे धीरे करते जाओगे तो ये पैर भी पकड़ में आ जाएगा। ध्यान क्या रखना, आगे से हाथ नहीं आना चाहिए, आपका हाथ ऊपर वाला कान को टच करेगा फिर ये ऐसे पकड़ेगा, ऐसे आपको करना है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे, ये देखिए इस तरीके से हाथ कान को टच रहेगा, कान के ऊपर रहेगा ये इस तरीके से, ठीक है ना। आप इसको करिए 2 से 5 मिनट, मैं आपको थोड़ा सा करके बता रही हूँ। आप 2 से 5 मिनट के 2 मिनट का राउंड करना है तो आप 3 राउंड कर लीजिए, और 5 मिनट का करें तो 1 राउंड में भी आपका काम हो जाएगा, यदि आप इसका रिजल्ट ज्यादा चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं तो, ठीक है। ये दूसरा अभ्यास मैंने आपको बताया, अब इसको हम एक अभ्यास ही मानते हैं, आप 2 भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने गिना है करीब 10 अभ्यास आएंगे और मैं उसको 5 अभ्यास में गिनती हूँ, क्योंकि ये दोनों मैंने एक ही में गिनी है, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद दूसरा आसन आता है धनुरासन। धनुरासन करने से पहले आपको बता दूं, उल्टा लेट जाइए, उल्टा लेटने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को पकड़ लेना है इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद आपका पूरा शरीर आपको उठा देना है ये इस तरह से। अब आप जब ये अभ्यास करेंगे ना, आप देखिए आपकी छाती, आपका गला, क्योंकि कई बार थायराइड डिसबैलेंस होने से भी समस्या होती है ना, तो इसमें आपका थायराइड भी एक्टिव हो जाता है, जिससे आपकी थायराइड की समस्या का भी समाधान मिलता है। तो ये करिए, यहाँ आपकी नॉर्मल छोटी छोटी सांस चलती रहेगी, उसके अलावा इसमें आप झूला भी झूल सकते हैं। ये झूला झूलने से क्या होगा, आपकी छाती की मसल्स एक्टिव हो जाएंगी, जो हाँ सूखापन पड़ा था वहां वो काम करने लग जाएंगे, तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। अब नहीं ला जा रहा तो कोई बात नहीं, आप सीधे ऐसे ही हो जाइए, और उसके बाद इसको भी 2 से 5 मिनट कर सकते हैं टुकड़ों में, एक बार हो गया। गिनती मत करिए, क्योंकि आप कितनी देर रुक पाते वो मैटर करता है, गिनती आप यदि 10 सेकंड नहीं रुक पाते तो उसकी गिनती का कोई लॉजिक नहीं बनता, इसलिए थक गए नॉर्मल हो जाइए, वापिस आ जाइए। तो इस तरह से आप इस अभ्यास को करेंगे, ये आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा आपकी चेस्ट या ब्रेस्ट को सही आकार देने के लिए। उसके बाद तीसरा अभ्यास हम बताने जा रहे हैं, वो है भुजंगासन। भुजंगासन कैसे करना है, उल्टे लेट के
पैरों को देखिए ऐसे मैंने जैसे सीधा किया वैसे सीधा कर लीजिए। उसके बाद आगे से आपको उठा देना है, जितना उठ जाए उतना उठा देना है और पूरा आप देखिए आपकी चेस्ट पर आपके अपर बेली फैट को ये कम करेगा, जिससे आपके मसल्स एक्टिव होंगे। ये देखिए ठीक है, जितना जाए उतना जाइए। यहाँ सांस बहुत छोटी चलती है, सांस छोड़ते वापस नीचे, फिर से एक बार देख लीजिए सांस भरते ऊपर और यहाँ स्थिर। 2 से 5 मिनट प्रत्येक अभ्यास करना है, आप एक बार में नहीं कर पाए तो उसको 2-3 बार में कर सकते हैं। खाली पेट करना है, मैं सारी सावधानी आपको बताती जा रही हूँ। खाली पेट करेंगे तो इसका पूरा लाभ मिलता है, भरे पेट में आप करेंगे तो उसमें लेवल गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कभी कभी किसी को वॉमिटिंग जैसी स्थिति बन जाती है, इसलिए भरे पेट नहीं बताते हम। फिर से इसको देखेंगे ऐसे ही, ये अभ्यास 2 से 5 मिनट। उसके बाद इसमें दूसरा अभ्यास हम करेंगे, दोनों पैरों में गैप कर लिया है, गैप आप जितना कर सकते उतना कर लीजिए। और इसमें आपको क्रॉस पैर देखना, ये देखिए ऐसे करके क्रॉस पैर, जब क्रॉस पैर देखेंगे ना तो आपका पूरा कमर भी हिलेगा, आपकी चेस्ट भी पूरी मूवमेंट करेगी, जिससे उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और वो खुलने लगेंगे मसल्स, जो आपकी जान है वो खुलने लगेंगे। वैसे दूसरी साइड से हम करेंगे इस तरीके से, ये जिस साइड आप मुड़ेंगे ना आप देखेंगे वहां आपको क्लियर पता चलेगा, मेरे साथ करेंगे आप करके देख लीजिए आपको पता चल जाएगा, पूरा आपको स्पष्ट पता चलेगा ठीक है ना। ये इसका एक अभ्यास और बता दिए, फिर से मैं इसको एक बार आपको करके बता दूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ये देखिए ऐसे ठीक है। अब इसमें आपकी कोहनी नहीं सीधे नहीं होते तो कोई बात नहीं, हो जाए तो कोहनी सीधी कर लीजिए, नहीं होती तो कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी किसी की थोड़ी टेढ़ी रहती है क्योंकि कितना उठ पाते उस पर डिपेंड करता है ठीक है। और ये इसको भुजंगासन कहते हैं, या प्रत्येक आसन का अभ्यास मैंने अलग से भी बताया। उसके बाद आपको क्या करना है, पैरों को इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद आपको घुटनों पे आके पीछे जाना। ये देखिए ऐसे ही, आपके हाथ अपनी जगह पर है, पैर अपनी जगह पर, पूरा बॉडी देखिए पीछे हुआ है। आप जब ये अभ्यास करेंगे ना इसमें भी आपके हाथों से आपकी चेस्ट की पूरी चर्बी, पूरी जो मसल्स हैं, चर्बी नहीं मसल्स कहूंगी, यदि बड़े हैं तो छोटे भी हो जाते हैं, तो जो पूरे मसल्स हैं वो आपके एक्टिव हो जाते हैं। एक्चुअली मैंने इसको नाम जो देना था ना, मुझे सैगी स्किन के बारे में पूछा गया था, पर इसमें जिसकी बड़ी चेस्ट है वो भी छोटी हो जाएगी, मतलब उसका लेवल आ जाएगा, और जिसकी छोटी वो भी बड़ी हो जाएगी, यानी आपकी चेस्ट को पूरी तरीके से बैलेंस करने का ये अभ्यास है। और इसी तरीके से आप वापिस आगे जाइए और फिर से पीछे आइए इसी तरीके से। देखिए ये अभ्यास 2 तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे भी, और यहाँ पे जाके आपने भुजंगासन करना है, और भुजंगासन करने के बाद वापस उठना है और ये पीछे आना है। आप अकेले भुजंगासन नहीं कर सकते, और ये दोनों का सेट भी मिला के कर सकते हैं, ये आपको पूरा लाभ देने वाला है। देखिए पूरा मैंने हाथ खींच दिया है, और जितना आपका हाथ खींच जाएगा उतना ही आपकी ब्रेस्ट की नस नाड़ियां एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि जितनी नस नाड़ियां एक्टिव होंगी ना उतना ही आप इस अभ्यास को ठीक से कर पाएंगे। उसके बाद मित्रों आता है वृक्षासन। वृक्षासन हम खड़े होकर नहीं करेंगे, हम बैठ के करेंगे, क्योंकि वृक्षासन के अभ्यास में हम कुछ चीजें और करने वाले, इसलिए मैं बैठ के बताऊंगी उसको कैसे। ऐसे ही खड़े हो जाना आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हाथों को ऐसे बांध लेना है, उसके बाद हाथों को आपको सीधा ऊपर करना है, ऐसे सीधा खींच के ऊपर ले जाइए। ये आप भोजन के बाद भी करने तो समस्या नहीं है, पर बाकी जो आसन है भोजन के बाद नहीं करने होते हैं, ये ऐसे रखेंगे ना, और वहां इतना ही आप भोजन के बाद कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि पीछे जाना है तो भोजन के बाद नहीं जा सकते। कैसे करना है, ज्यादा पीछे नहीं जा पाएंगे आप बस इतना ही जाइए, क्योंकि आपकी स्थिति ज्यादा पीछे जाने की नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ यदि आप रोज सूर्य नमस्कार मेरे साथ करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। रोज सुबह मेरे व्यायाम के वीडियो होते हैं, जब मैं एक कहते हैं ना अपने घर पे होती तो रोज मेरे स्वयं सुबह व्यायाम का एक वीडियो आ जाता है, पर कहीं बाहर जाती तो मैं कई बार बना नहीं पाती तो नहीं डाल पाती हूँ, पर व्यायाम तो मेरा वहां भी होता है, तो इस तरह इसको कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों एक आसन और है जिसे हम उष्ट्रासन के नाम से जानते हैं। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए पहले हम हाथ बांध लेते हैं और जितना हो सके उतना पीछे झुक जाइए, आंखें खोल के झुकिएगा और इसमें पेट खाली चाहिए, भोजन के बाद नहीं खाली पेट, ये ऐसे ठीक है, जितना जाए जाइए और हो जाइए वापिस आ जाइए। उष्ट्रासन ये नहीं है, ये उष्ट्रासन का प्राथमिक अभ्यास है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके अपने दोनों हाथ आपको पैरों पर रखने हैं इस तरीके से ठीक है, और पूरा पीछे जाना है, ये भी आपके चेस्ट की मसल्स को एक्टिव बनाएगा, जिससे उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा और आपको लाभ मिलेगा ठीक है। ये हो गया एक और अभ्यास, तो आप अभ्यास गिनने होंगे, क्योंकि मैं गिनने के आगे नहीं हूं, मैं गिनती नहीं हूं, तो ये हो गए हमारे
इसके चेस्ट की सैगी स्किन को ठीक करने के अभ्यास अभी कैसे काम करेगा वो आप समझ लीजिए। मित्रों जो हम व्यायाम करते हैं ना, तो व्यायाम से जहां के हिस्से को हम जिस अंग के हिस्से को हम व्यायाम दे रहे हैं ना, उसकी जो मसल्स है ना वो एक्टिव हो जाती हैं। अब एक्टिव मसल हो गई है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन होना थोड़ा सरल हो जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो उसके लिए आपको कुछ चीजें और करनी होगी, जैसे आपको स्वास्थ्य नियम का पालन करना होगा। यदि आपके भोजन में खराब चीजें हैं, जैसे आप बाहर का टिन फूड, जंक फूड या रेडी टू ईट फूड खा रहे हो जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, तो यदि ऐसी चीजें आप खाते हो तो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ही जा रहा है और ये आपके शरीर में कोई लाभ नहीं देने वाला, इससे आपकी सगी स्किन को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसको विस्तार से समझने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रोगों के कारण प्लेलिस्ट देखनी होगी, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां कहां क्या क्या गलतियां करें जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, जो आपके शरीर में बहुत सारी समस्याओं का जन्मदाता बन जाता है। वही मित्रों दूसरी बात आपको समझनी होगी कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़े, तो उसके लिए आपको स्वास्थ्य नियम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और स्वास्थ्य नियम उसके वीडियो आपको समझनी होगी, जिसमें आपको देखना होगा कि आपका पेट साफ कैसे हो पाए। ये पेट साफ होगा तो शरीर से जो कचरा निकल जाएगा उसी से आपके शरीर में एक्टिवनेस आएगी, प्लस आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, प्लस आपके शरीर में जहां जितना खून चाहिए वो पहुंचेगा और ये समस्या का समाधान दे पाएगा। तो नाक में तेल डालना है, नाक में तेल डालना बहुत सरल है मित्रों, मैंने डाल के बताया है, और पानी सही मात्रा में पीना है। यदि पानी कम पिए क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होता है, यदि पानी नहीं पीते तो ऑक्सीजन की कमी से भी समस्या बड़ी हो सकती है। और उसके बाद मित्रों यदि आप ये जो व्यायाम है, जो हमने एक्सरसाइज आपको बताई, जो पांच साल जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई है, यदि आप इसको आधा पौना घंटा करते हैं टुकड़ों में एक साथ वन बाय वन रिपीटेशन करते जाइए, दो तीन सेट कर लीजिए, यदि ये कर लेते हैं उसके बाद आपको 15 मिनट अनुलोम विलोम करना है, क्योंकि अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ना मित्रों, हमारे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियां 72 करोड़, कुछ लोग 72 करोड़ कहते हैं, कुछ 72,000 कहते हैं, जितनी भी हमें उससे अंतर नहीं पड़ता, हमारे प्रत्येक शरीर के प्रत्येक कोशिका को प्रत्येक अंग को सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने में अनुलोम विलोम प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है, कैसे सीधा बैठना, कैसे सांस लेनी, उस पर विस्तार से वीडियो दिए। यदि आप 15 मिनट अनुलोम विलोम कर लेते हैं उसके बाद 2 मिनट भ्रामरी, 2 मिनट उद्गीत कर लेते हैं, इससे आपका मन शांत हो जाएगा और मन शांत जब होता है ना मित्रों, तो सारी नकारात्मक चीजें शरीर से बाहर निकल जाती है, जो हमारे शरीर में बढ़ने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को रोक देते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे और भी बेनिफिट होते हैं। मित्रों यदि आप इतने निर्देशों का पालन करते हो तो केवल आपकी स्किन ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं है, इसके अलावा आपके शरीर में जो भी कैसा भी कोई भी रोग है उसमें भी आपको समाधान मिलने लगेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है तभी सिद्ध होगा जब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, खान पान सही करेंगे, रहन सहन सही करेंगे और ठीक से अपना प्राणायाम कर लेंगे, व्यायाम कर लेंगे, तो सब कुछ बिना दवा के, बिना कुछ एक्स्ट्रा किए संभव होता है ठीक कर पाना। तो आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब डिस्क्रिप्शन को पूरा चेक करिएगा, उसमें आपको दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव जाने और अनेकों प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें आपको अपनी समस्या पर वीडियो मिलेंगे और उसके आगे निर्देशों का पालन करने के लिए बहुत सारे वीडियो हमने दिए। नहीं समझ में आए अपनी समस्या पे क्या करना है तो प्रश्न करिए, हम आपको बता देंगे आपको कहाँ वीडियो मिलेंगे, और पालन करेंगे तो आपको 100% पूरा समाधान भी मिलेगा। इंस्टाग्राम फेसबुक का डिस्क्रिप्शन में, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो पर इंस्टाग्राम फेसबुक या व्हाट्सएप कहीं भी प्रश्न करिए, आपको उत्तर हर जगह मिलेगा, क्योंकि हम उद्देश्य जो लेके बैठे हैं तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, किंतु हर बार टाइप करके बता पाना संभव नहीं होता, तो हम आपको बताएंगे आपको कौन सी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। देखिए अपनी समस्या को समझिए, निर्देशों का पालन करिए, हर समस्या का समाधान बिना दवा के 100% संभव है और ये आप कर सकते हैं, आप करेंगे तो हो जाएगा, बस कुछ भूल ऐसी ना हुई हो जिसमें आपको कुछ बड़ा परिणाम भोगना पड़े। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा और आपका समय का सदुपयोग हुआ क्या वो भी बताइएगा। धन्यवाद, वंदे मातरम।